की दुकान पे टायर दोनों खराब हो गए हैं और देखिए दोस्तों टायर किस तरीके से डाले जाते हैं, देखिए घुमा दिया। ये है मशीन टायर की। ये मशीन कितनी के आए थे भाई? लाख डेढ़ लाख के आ जाते होगी। अब इसमें हवा भरी जा रही है, देखिए ये भी सब मशीन के जरिए। ये तो खराब हो गया कतई। हाँ जी बूट खराब हो रहा है उसको। हाँ वो मैं भी देख रहा था अभी। बूट बदलवाओ फिर, खराब अगर हो रहा है तो कोई लंबा थोड़ा खर्चा थोड़ी बदलने का। क्या है खर्चा उसमें? कितना खर्चा भैया उसका? क्या है उसमें? उधर का भी चेक कर लेते हैं, उधर का भी टायर खोलने दी चेक कर लेता हूँ। तो ये कैसे कट जाता है? चलो ठीक है बदल दो। तो ये तो जैसे हम सर्विस करवाते हैं तो सर्विस में तो बताते नहीं भी चेक करके। ये चीज़ें भी देखी जाती है। मैं देखिए मैं मेरे सामने खुला क्या हमने खोला नहीं, मैंने भी नज़र मारी उस पर, लेकिन मैंने कहा पता नहीं, मुझे इतना डिटेल में पता नहीं था ना। जो रबड़ जो है ना कुछ काजू कुछ होता है। जी जी देखिए दोस्तों कार रिपेयरिंग कैसे, कार का टायर रिपेयरिंग कैसे होता है, नया टायर कैसे डलता है, ये आप देखिए। इसके लिए एक मशीन है दोस्तों। पहले तो काम हाथ से ही होता था, आजकल मशीन आ गई है। मुश्किल से एक लाख के अंदर ये मशीन आ जाती है और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसमें बहुत ही इजीली टायर लगा सकते हैं, आप देख रहे होंगे। ट्रांसफार्मर लग रहा है सीबीटी। अच्छा कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर 18,000 क्या लगाई थी नंबर बाहर लगा बेटा। और ये वाला बिंदु जो है उसके पास है। देखिए दोस्तों कैसे फिटिंग कर रहे हैं टायर की। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे कार सर्विस सेंटर में आए हुए हैं। गाड़ी के टायर पुराने हो गए थे दोस्तों, तो उन्हें बदलवाने के लिए हम यहाँ पर आए थे। बदलवाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। इससे टायर बिल्कुल घिस चुके थे दोस्तों, हम
हमने डलवाए हैं ब्रिज स्टोन के, जो कि 4250 का पड़ रहा है एक टायर। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहे दोस्तों, यह है ब्रिज स्टोन का टायर। योकोहामा का भी है, योकोहामा का भी है, लेकिन ये 4000 का पड़ेगा, ये हमने डलवाया नहीं है। इस समय सबसे बढ़िया टायर दोस्तों ब्रिज स्टोन का है और योकोहामा का है, जिसमें आपको ऑनलाइन वारंटी गारंटी सब कुछ मिल रहा है और रिप्लेसमेंट, और इसमें आप क्लेम भी कर सकते हैं पुराने टायर से 1500 रुपये में। ऑनलाइन स्कीम के तहत सब चीज़ें जुड़ गई हैं, इसमें बहुत फ़ायदा है दोस्तों। और अब ये चल दिया है टायर अपने गंतव्य स्थान पर। अच्छा हाँ, वो रबड़ लगेगी ना। हाँ तो वो लगाओ, तो जैसे बताया वो, तो जैसे इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपको वैसा करिए भैया, अगर जैसे बताया मैंने वैसा करिए। जी जी, किसी आपके नाम, ये तो जैसे हमारा पुलिस का ही है तो वो मिल जाए। मैं क्या बोला, प्रशासन में है तो अगर आप चल सकता है। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं लोकल टू लोकल, ज़्यादा बाहर ना ले जाएं, मतलब यही अपना थोड़ा जाना है। क्योंकि स्प्लेंडर का एवरेज सही है ना उसका, ज़्यादा मतलब उस पर इतना कोई वो नहीं पड़ता। जी जी, मतलब हापुड़ चौराहे तक मत जाओ, उससे इधर इधर रहो। जितना चौराहे तक मत जाओ, आज तक कभी इतने साल हो गए कभी किसी ने पकड़ा नहीं, एक दो बार पुलिस ने रोका था। तो भाई मैं मेरे अपनी गाड़ी का ना, अपनी टोल कोई भी चला नहीं कटा। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स को प्लस जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं मुरादाबाद में पहले हेलमेट नहीं कोई पहनता था, अब हर जगह बैरिकेड लगे हैं, हर जगह हेलमेट पहन रहा है। आप गोविंदपुरम की बात कर रहे हो, गोविंदपुरम में हेलमेट जरूरी है। हाँ, पुलिस वाले DDPS पे और ये दयानंद पे रोज लगा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो डेली बैरिकेड लगा दिया। इनोवा खड़ी होती है किसान वाली, वहाँ पर लगी रहती है। अगर आपको जरा सा भी देखा हो उसने, नियम कानून के आप विरुद्ध हो। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा लोकल एरिया में अंदर तो कोई नहीं, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है हाईवे पे रखना चाहिए। देखो अगर वो आगे कितने लोगों को देखा है हेलमेट रख लेंगे बाइक पे, लेकिन लगाएंगे